आई हूँ। आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एंड प्रगतिशील किसान में स्वागत है। कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारियों को प्राप्त करने और राज्य की कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। 17 जून 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा फसल बीमा की बैठक में दो मौसमी फसलों खरीफ 2021 और रबी 2021-22 के लिए राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा को लागू किया गया है। खरीफ हेतु 14 फसलें अधिसूचित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं: बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, सवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास, मूंगफली। रबी के लिए 11 फसलें अधिसूचित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं: गेहूं, जौ, सरसों, तारामीरा, जीरा, धनिया, इसबगोल, मेथी, रबी मक्का, मसूर और चना। ये योजना राज्य के 33 जिलों में क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना में ऋणी किसान, गैर ऋणी किसान, बटाईदार किसान को शामिल किया जाएगा। बटाईदार किसान उसी क्षेत्र का होना चाहिए जिस क्षेत्र का भूस्वामी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, भूमि विकास बैंक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए जिन किसानों को खरीफ 2021 के लिए 31 जुलाई और रबी 2021-22 के लिए 31 दिसंबर तक फसल ऋण दिया गया है, यदि वे किसान योजना से अलग होना चाहते हैं तो नामांकन की अंतिम दिनांक से 7 दिन पहले खरीफ के लिए 24 जुलाई 2021 और रबी के लिए 24 दिसंबर 2021 को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना है कि वे इस योजना से अलग होना चाहते हैं। घोषणा पत्र का प्रारूप संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था से प्राप्त करें। ऐसे किसान जिन्होंने ऋण नहीं ले रखा है और बटाईदार किसान जो खरीफ के लिए 24 जुलाई और रबी के लिए 31 दिसंबर तक नज़दीक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक में जाकर बीमा करवा सकते हैं। दस्तावेज: जिस फसल का बीमा करवाना है वह जिस खेत में बोई जाएगी उसकी नवीनतम जमाबंदी स्वप्रमाणित, एक शपथ पत्र स्वयं द्वारा लिखा हुआ जिसमें उस खसरे का कुल क्षेत्रफल, बोई जाने वाली बीमित फसल का क्षेत्रफल, मालिक का नाम, बीमा किसके नाम है आदि सूचनाएं अंकित करें, आधार नंबर, बैंक पासबुक जिसमें खाता संख्या, IFSC कोड स्पष्ट दिखाई दें। बटाईदार किसान राजस्थान का मूल निवास प्रस्तुत करेगा। बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट का पूर्ण विवरण प्रत्येक ब्लॉक में अधिकृत बीमा एजेंट होता है। योजना के क्रियान्वयन के लिए चयनित कंपनियां: चूरू, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, झालावाड़, श्रीगंगानगर, अलवर के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बूंदी, डूंगरपुर, जोधपुर के लिए फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बारा, धौलपुर, हनुमानगढ़ के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीकानेर, चित्तौड़, सिरोही के लिए यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सीकर, जैसलमेर, टोंक के लिए HDFSC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बांसवाड़ा, नागौर, भरतपुर के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अजमेर, जालौर, सवाईमाधोपुर, कोटा के लिए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जयपुर, पाली, प्रतापगढ़ के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बाड़मेर, झुंझुनू, करौली, उदयपुर के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे की जानकारी के लिए भाग 2 देखें।